ओके चल, अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना? आपने मेरी रिपोर्ट लिख ली है ना? हाँ बेटे तुम जाओ, मैं उस शख्स को पकड़ लूंगा ढूंढ के, वो कहीं भी छुपा हो। तो चलो बिरजू, हम लोग चलते हैं। फ्रैंकलिन भैया को भी हाल चाल देखे, क्या हाल चाल है, कुछ तो कुछ ठीक हुआ कि नहीं? हाँ बे, चलना चाहिए, फ्रैंकलिन को भी देखना चाहिए, फ्रैंकलिन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। यार दोस्तों, आप लोग का हमारे लोग की कहानी ना समझ में आवत हो ना, हम बता रहे हैं। सुनो, हम लोग ना पिछले वीडियो में हाइड एंड सीक खेल रहे थे, छुपन छुपाई, तो हमारा दोस्त जो बहुत बड़ा कमीना रहा, वो बताए ना सिंचैन का मारे के चक्कर में सिंचैन ऊपर लेके गवारा बहुत ऊंचाई पर छुपवाए, और वहां से जैसे सिंचैन को धक्का मारिस था जान से मारने के लिए, वैसे हमारा फ्रैंकलिन आके सिंचैन को बचा ली। सिंचैन तो बच गए पर फ्रैंकलिन को धक्का मार दी। फ्रैंकलिन जब 10 मंजिला के ऊपर से गिरे, जिसके वजह से उनके सर में चोट आ गई और हो गए पागल। तो हम वही आदमी के लिए यहाँ पर रिपोर्ट लिखा जा रहे हैं। हमका ऐसा लगा था वो पकड़ा जरूर जाए जो हमारा सिंचैन को जान से मारने की कोशिश करिस था। और सुनो, तुम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वो इंसान पकड़ा जाए, समझो ना। चलो सिंचैन घर चलते हैं, देखते हैं फ्रैंकलिन का क्या हाल है। अरे हाँ दोस्तों, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे फ्रैंकलिन भैया का कातिल मतलब मेरा कातिल पकड़ा जाए, और पुलिस लोग तो ढूंढ ही रहे हैं उसको। तो अच्छा सिंचैन के बच्चे, तू यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आया मेरे खिलाफ? अब देख मैं क्या करता, तू मेरे को पागल समझ के रखा है क्या? मैं हर चीज का प्लान पहले से करके रखता हूँ। चल इसी की गाड़ी लेकर चलता हूँ और इसी की बहन को जो है ना किडनैप कर लेता हूँ, रिंकू की जो बहन है। चल चल चल, अपनी जान बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं सब करूंगा। चलो भाई चलता हूँ। अभी तक तो तुझे मारने की कोशिश थी सिंचैन, अब ना तेरे दोस्त की बहन को मारूंगा। मुझे अपनी जान कैसी बचानी है मुझे अच्छी तरीके से पता है। अब देख तरीके से वाट लगाता हूँ सिंचैन, देखना मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तेरे सारे दोस्त को भी। तू मेरा असली दुश्मन है सिंचैन, तू ना मुझसे हमेशा आके फर्स्ट आया, पढ़ने लिखने में सब चीज में तू अच्छा था ना, तुझे लोग पसंद भी करते हैं। अब देख मैं तुझे कैसे सबके सामने मारता हूँ और तू बच नहीं सकता। अब देखना मैं सबको खत्म कर दूंगा, फ्रैंकलिन से लेके सिंचैन तक। चल भाई चल, अगला प्लान काम करते हैं, जल्दी से उसकी बहन को किडनैप कर लेता हूँ, नहीं तो ये पुलिस मुझे ढूंढ लेगा और जान से मार देगा। मुझे मारे इससे पहले मुझे कोई ना कोई प्लान रेडी रखना चाहिए। अच्छा बहुत ज्यादा लेट हो गया, चलते हैं ना बिरजू हम लोग घर, फ्रैंकलिन भैया का भी हाल चाल लेते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे तो हमारी बाइक खड़ी थी, कौन ले गया बिरजू? तुमने देखा किसी को? अबे अबे यही ना तो खड़ी रही है, कौन ले गया हमारी गाड़ी? अरे बिरजू हमारे साथ क्या हो रहा है, हर चीज हमारे साथ बुरा ही हो रहा है, क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, टैक्सी लेते हो घर चलते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, पहले तो मुझे मारने वाले को पकड़ा जाए। आ जाओ खड़े हो जाओ। हाँ ठीक है खड़े हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया किस हाल में होंगे, न जाने घर में क्या तमाशा चल रहा होगा। आला फ्रैंकलिन तो बस सोए जा रहा, आला फ्रैंकलिन तो उठ ही नहीं रहा। अरे पता नहीं क्या हो गया, फ्रैंकलिन इतनी ऊंचाई से गिरा है कि भाइयों के दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागल हो गया है, हम लोग का पहचाने से इनकार कर रहा है, छोटे बच्चों वाली हरकतें करता है। अरे हाँ क्या बताओ, रिंकू ने अच्छा बिल्कुल नहीं किया है, दोस्त के नाम पे कलंक है, वो हम लोग से दोस्ती किया था पर हम लोग के लिए उसके दिल में नफरत थी, वो हम सबको मारना चाहता है। अरे मुझे डर लगता है कहीं वो मेरे घर पे मेरी बहन को ना किडनैप कर ले, क्योंकि सिंचैन गया है उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाने पुलिस में। और घबराओ ना कुछ ना हुई। आइला अपन देख के आता है फ्रैंकलिन को, फ्रैंकलिन कर क्या रहा है अंदर, उठा कि नहीं उठा फ्रैंकलिन? चल भाई चलता हूँ। आइला फ्रैंकलिन तो सेरे लाया है, आइला फ्रैंकलिन उठना। कौन है मेरे घर में इतने सुबह सुबह घुस आया है और मेरे ही घर में इतना ज्यादा दादागिरी कर रहा है? ओ तू कौन है भाई और तू यहाँ कर क्या रहा है मेरे घर में? चल निकल फटाफट से, जल्दी से, तेरी भलाई इसी में है कि तू इज्जत से मेरे घर से निकल जा, वरना मैं तुझे खुद ही जान से मार दूंगा। आइला अपन तेरा दोस्त, फ्रैंकलिन अपन को भूल गया क्या? अपन लोग जो है खेल रहे थे कल हाइड एंड सीक, तू छत पे से गिरा, तेरी याददाश्त चली गई। आला अपुन तेरा दोस्त, मेरे को पहचानना, अपुन हनी है। ओ भाई तुम कौन हो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, तुम मेरे घर में घुसने की कोशिश बिल्कुल ही मत करो, जितनी जल्दी हो दफा हो जाओ यहाँ से और निकल जाओ, वरना इसके लिए मैं पुलिस बुलाऊंगा और तुम सबको भगवा दूंगा यहाँ से। आला फ्रैंकलिन पागल हो गया, चल जल्दी भगता है अपन बाहर। आला दोस्तों लोग बात सुनो, फ्रैंकलिन पागल हो गया है, वो बाहर आ रहा है, वो कह रहा है तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला के निकलवा दूंगा तुम लोग को घर से। अरे ऐसा कैसे बोल सके थे फ्रैंकलिन, हम उसके दोस्त हैं, उसको कोई परेशानी ना हो यही के लिए हम लोग अपन घर बार छोड़ के यहाँ रुके हैं, और हम लोग के घर से भगाई, पागल हो गई क्या फ्रैंकलिन? आइला अभी वो आ रहा है, उससे खुद ही पूछ ले, अभी वो हम लोग को देख कैसे घर से बाहर निकलता है। यार गाइस कोई भी घर में घुसकर आज के बैठ जाता है और बोलता है मैं तेरा दोस्त हूँ या कुछ भी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और अकेला ही खुश हूँ, मुझे कोई की जरूरत भी नहीं है, ठीक है देखता हूँ। ओ भाई ये सब मेरे घर में घुस बैठी है, क्या कर रहे हैं, चल के देखता हूँ और धक्के मार के निकालता हूँ। चल भाई चल फ्रैंकलिन, इज्जत से मानेंगे तो ठीक है वरना पुलिस बुलाते हैं फिर अपन। हाँ तो सुनो, तुम लोग की भलाई इसी में है, तुम लोग मेरा घर छोड़ के निकल जाओ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, समझ
समझ में आई ना बात। अरे फ्रैंकलिन, हम तुम्हारा दोस्त है, हमारे साथ ऐसा क्या कर रहे हो भाई? अबे जब मैंने कोई दोस्त ही नहीं बनाया है तो कहाँ के दोस्त, कैसे दोस्त। जितनी जल्दी हो निकलो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रुक जाओ, तुम लोग ऐसे मानोगे नहीं, मुझे कॉल ही लगानी पड़ेगी पुलिस को। अरे फ्रैंकलिन भाई ऐसे ना करो, हम तुम्हारा भलाई के लिए यहाँ रुके, हमको सिंचैन छोड़ के गया है, बोला है फ्रैंकलिन भैया को कुछ ना हो, तुम लोग देखे रहे भाई, यहाँ भूखे प्यासे तुम्हारे लिए मर रहे हैं और तुम हमको पुलिस वाले के पास भेज रहे हो जेल में। अरे फ्रैंकलिन ऐसा मत कर मेरे भाई, हम तो तुझे बचाने के लिए आए हैं, पर तू ऐसा क्यों कर रहा है, हमें जेल क्यों भेज रहा है? अला फ्रैंकलिन, हम तेरी रखवाली के लिए रुके यहाँ पे, तेरा एक स्क्रू ढीला हो गया है, सिंचैन ने बोला है तेरी देखभाल करे। अला नहीं, तुम लोग मेरे दोस्त किसी हाल में भी नहीं हो सकते, समझे ना। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जो पुलिस को मैं बस नंबर ढूंढ ही रहा हूँ और कॉल करता हूँ और तुम सबको यहाँ से निकलवाता हूँ। मेरा ना ही कोई दोस्त है और ये सिंचैन कौन है भाई, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम सिंचैन के नाम पे, मुझे धोखा देने के लिए आए हो तुम लोग? रुक जाओ अभी बताता हूँ, एक सेकंड। आइला, ये लगता है हम लोग को जेल भेज के ही मानेगा। हाँ तो ठीक है, तुम लोग जो बेहा की तरह यहाँ पे खड़े हो ना, दो मिनट में बस पुलिस आ ही रही होगी और तुम्हें जेल में डाल देगी। हाँ तो ठीक है भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हुआ फ्रैंकलिन, तुम्हारे घर में कौन घुस के बैठ गया जबरदस्ती और तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है? अच्छा तो ये तीन बच्चे हैं, तुम घबराओ नहीं, हम इन्हें जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। अरे फ्रैंकलिन कुछ बोलो भाई, मना करो हम लोग को जेल वाल न ले जाए भाई, नहीं तो हम लोग को छुड़वाएगा कौन? उधर सिंचैन भी जी है, हम लोग को कोई बचाए वाला भी ना है। प्लीज फ्रैंकलिन, हम तुम्हारा दोस्त है, याद करो भाई, तुम्हारा याददाश्त चला गया है। अरे फ्रैंकलिन ऐसा मत कर मेरे भाई, हम तो तेरी हिफाजत के लिए यहाँ पे रुके थे, हमें सिंचैन छोड़ कर गया था, हम तेरे घर द्वार पे कब्जा करने नहीं आए हैं। ठीक है, अगर तू कहता तो हम चले जाते अपने घर, प्लीज हमें जेल मत भेज। आला फ्रैंकलिन, तू हम लोग के साथ ऐसा कैसा कर सकता है, तू तो हम लोग के लिए जान देता था, हमें अपने भाई मानता था सिंचैन की तरीके। आला तू ऐसा क्यों कर रहा है फ्रैंकलिन? क्यों कोई, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम्हें एक सेकंड अपने घर में रहने दूंगा और ना ही तुम्हें इस शहर में खुला घूमने दूंगा। अगर मुझे पता, अगर तुमने पूरे शहर में खुलेआम घूमोगे तो तुम लोग मेरे घर में वापस से आने की कोशिश करोगे, समझे ना। तो सर इन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाइए और जेल में बंद कर दीजिए। ठीक है, तुम घबराओ नहीं फ्रैंकलिन, मैं इन लोग को ले जाके सबको जेल में बंद कर दूंगा और ये तुम्हें दोबारा कभी तंग नहीं कर पाएंगे, तो चलो आ जाओ। अरे भाई धक्का मत मार, चलो आ जाओ, इज्जत से बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार के लेके चलूंगा बाहर। अरे प्लीज सर हम लोग को जान दो। अरे कहा ना ज्यादा प्लीज प्लीज मत करना, अब चल के मार खाओ, जेल की हवा खाओ, समझे ना। अरे मेरी गाड़ी किधर चली गई भाई? प्लीज सर हम तुम्हें हाथ पकड़ी थी, प्लीज सर। तो ठीक है सर, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कुछ भी हो जाए कोई भी इनकी बेल देने आए पर छोड़िएगा मत, क्योंकि ये मेरे घर पे कब्जा जमाना चाहते हैं मुझे अपना भाई और दोस्त बना के, तो इन्हें ले जाइए यहाँ से और दफा करिए ये काम को, चलिए। आइला प्लीज सर आप उनको मत ले जाइए, आप उन सकल से ही सीधा लगता है। आइला सर फ्रैंकलिन के घर में रहने के सिर्फ हम लोग के नेक इरादे थे, आइला कोई बुरे इरादे नहीं थे फ्रैंकलिन को चोट पहुंचाने का। आइला सर थोड़ा दो मिनट रुक जाइए, सिंचैन को आ जाने दीजिए। मैं तुम लोगों की बात कैसे मान लूं, मुझे तो फ्रैंकलिन ने बुलाया है, उसने कहा है कि तुम लोग उसके घर में कब्जा जमाना चाहते हो और फ्रैंकलिन को मारना चाहते हो। आइला सर अगर मुझे मारना होता तो मैं कब का मार सकता, पर मैं नहीं मारा। प्लीज सर थोड़ी देर रुक जाइए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी, सिंचैन आता ही होगा। आमा यार सिंचैन पैसा ना होने की वजह से साला पैदल इतनी दूर से चलना पड़ा। अरे हाँ यार थक गया, चलता हूँ घर पे थोड़ा सा आराम करता हूँ। हाँ बहुत कमीना रहा टैक्सी वाला, हम लोग का रास्ते में छोड़ के भाग गया। अरे यहाँ काय रो रहा है हनी, और ये पुलिस क्या कर रहा है भाई? अरे सुनो तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे दोस्तों का परेशान क्या कर रहे हो भाई? हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? अरे हनी तुम इतना रो क्यों रहे हो, क्यों इतना परेशान हो मेरे भाई, और ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन्हें तो मैंने कहा था कि जाके हमारे कातिल को ढूंढे जो फ्रैंकलिन भैया को छत पे से धक्के मार दिया था, और ये यहाँ पे आके मेरे दोस्त को पकड़ लें, पागल हो गए कैसे आप? पागल तो तुम हो चुके हो बच्चे, तुम झूठी रिपोर्ट लिखाने आते हो, बोलते हो फ्रैंकलिन को किसी ने मार दिया। फ्रैंकलिन तो अच्छा खासा यहाँ पे खड़ा है, उसने तुम लोग के खिलाफ रिपोर्ट करवाई है, उसने कहा है तुम्हें ले जाके जेल पे डाल दूं। फ्रैंकलिन के घर में तुम लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की और उसे मारने की कोशिश की। अले सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो फ्रैंकलिन भैया का भाई हूँ ना, मैं उन्हें क्यों मारूंगा, उन्होंने तो मेरी जान बचाने की कोशिश की है। पर मुझे तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट आई है, मैं तुम सबको जेल में ले जाकर बंद कर दूंगा। फ्रैंकलिन भैया ये लोग क्या कह रहे हैं, आप इन्हें बताइए ना कि आप मेरे भाई हैं और ये सब आपके दोस्त हैं, आप इन लोग को जेल क्यों भेजेंगे फ्रैंकलिन भैया? अरे भाई आप हैं कौन, मुझे फ्रैंकलिन भैया किस नाते से कह रहे हैं, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इनके गैंग का सरदार लग रहे हो? ऐसा है पुलिस इसे भी पकड़ो और इसे भी लेकर जेल जाओ, समझे ना। मैं चलता हूँ, अब मुझे ये घर में दोबारा दिखाई नहीं देने चाहिए वरना मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करवा दूंगा। तो ठीक है भाई चलता हूँ, फ्रैंकलिन अकेला खुश है, फ्रैंकलिन किसी की जरूरत नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है और ना ही कभी होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया। बच्चे चलो बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक, समझे ना, चलो सब पुलिस स्टेशन में जवाब देना क्या तुम्हें बोलना है। अरे आप पागल हो चुके हैं, मैं ना चोर हूँ ना ही कुछ, मैं तो इस घर का एक बेटा हूँ और ये सब फ्रैंकलिन
भैया के दोस्त है, ये सब पागल हो गए का? अबे पुलिस हुआ टकला पागल हो गया, लगा देख के पगलाइटी से गंजा से बाल झड़का हुआ है साले के, ये पगला हुआ इसको अच्छा बुराई दिखाई नहीं दे रहा। बताओ हम इसको बोले जा रहे हैं कि हम लोग फ्रैंकलिन के दोस्त हैं, दोस्त समझे में नहीं आवत, हम लोग का जेल में डाले के चक्कर में है साला। अब क्या कह ले बिरजू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें जेल में डाल देंगे और फ्रैंकलिन भैया ऐसे ही पागलों की तरह घूमेंगे। हम लोग तो बस फ्रैंकलिन भैया को सही करना चाहते थे, अच्छा करना चाहते थे और अपने कातिलों को पकड़वाना चाहते थे। काश की मिले फ्रैंकलिन भैया की याददाश्त आ जाए दोस्तों, ताकि फ्रैंकलिन भैया हम लोग को जेल से निकलवा सके, नहीं तो हम लोग हमेशा जेल में चलेंगे और हमारे कातिल खुशी खुशी घूमते रहेंगे बाहर। तुम सबका नाटक बहुत हो चुका है, चलो तुम सब के सब मेरे साथ जेल में। हलाल दोस्तों कमेंट्स में लिखो फ्रैंकलिन भैया सिंचैन को बचा लो। यार दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, ताकि मेरे लिए फ्रैंकलिन भैया की याददाश्त आ सके, ताकि वो हमें जेल से छुड़ा सके और असली मुजलिम को जेल में डाल सके। हाँ गंजवा जो हम लोग को जबरदस्ती जेल में डाल रहा है ना, जल्दी से लाइक करो वीडियो को और फटाफट सब्सक्राइब करो, ताकि गंजवा ना हम लोग को छोड़ सके। साला पता नहीं कहाँ से आ गया ये फ्रैंकलिन, क्या और तो एक स्क्रू गिर गया तो हमारे लोग का जेल भेज रहा है अपने दोस्तन का। बताओ एक कातिल के हम लोग जेल भिजवाए चक्कर में रही, हमारे लोग का भिजवा दी, बाप रे बाप का जमाना आएगा। अः तुम लोग हम लोग का मुँह ना देखो, फटाफट से लाइक कर दो समझो ना, और चैनल का सब्सक्राइब। ठीक है तुम लोग की बकैती हो चुकी, तो अब चलो जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरे के घर पे कब्जा जमाने का, अब तुम्हें बताता हूँ जेल में ले जाके, चलो चलो चलो। तो ठीक है तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो समझे ना, यहाँ से भागने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करना, वरना तुम लोगों को सजाए मौत दे दी जाएगी। पर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग निर्दोष है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, फ्रैंकलिन भैया हमारे भाई है और ये सब इनके दोस्त है फ्रैंकलिन भैया के। आपको हमने बताया ना कि हमारे फ्रैंकलिन भैया को बहुत ऊंचाई से धक्का दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई है और वो हम लोग को पहचानने से मना कर रहे हैं। प्लीज आप हम पे रहम करिए और हमें बाहर निकाल दीजिए, मैं आपको सच्चाई सामने लाकर दिखाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए जेल से बाहर। आइला सर हमारे ऊपर भरोसा करिए, हम लोग कोई चोर चमार नहीं है, हम तो बस फ्रैंकलिन की मदद करना चाहते थे। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक, यहीं पे बंद रहो तुम सब अब, और खान खोल के मेरी बात को सुन लो, अगर भागने की कोशिश किए तो समझ लेना तुम सब के सब मारे जाओगे। मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे एक गार्ड्स रख देता हूँ, क्योंकि तुम लोग बहुत शातिर चोर हो, क्योंकि भागने की कोशिश तो पक्का ही करोगे। एक मिनट, अरे सर मुझे आपने बुलाया यहाँ पे। हाँ तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन लोग पे कड़ी नजर रखना, ये यहाँ से भाग ना पाए समझे ना। ठीक है सर आप बिल्कुल फिक्र रहिए, मैं यही लोग को ताक के रखता हूँ, ठीक है मैं यही खड़ा हूँ। ठीक है तुम इन पे कड़ी नजर रखना, अब मैं चलता हूँ अपने काम पे, मुझे और भी काम है, इन बेवकूफों के चक्कर में हमेशा थोड़ी ना फंसा रहूंगा मैं। आजकल जमाना कितना खराब हो चुका है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी चोरी करते हैं, तो ठीक है मुझे इन पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अब क्या होगा दोस्तों, वो जो है ना हम लोग का कातिल वो तो बाहर घूम ही रहा है और आराम से ऐश कर रहा है, और हम लोग बेगुनाह होकर इस जेल में बंद है, हमेशा बेगुनाह ही फंसते हैं। अहिला घबरा मत सिंचैन, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, सबके सबको फ्रैंकलिन ने जेल भेज दिया है, अब तो मैं फ्रैंकलिन का फायदा उठा सकता हूँ और फ्रैंकलिन को तो मर भी सकता हूँ, क्या बात है। मैंने सिंचैन को मारने की कोशिश की और फ्रैंकलिन ने बचाने की कोशिश की सिंचैन को, मैंने फ्रैंकलिन को ही धक्के मार दिए और वो इतनी ऊंचाई से गिरा जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई, और बेचारा सिंचैन फ्रैंकलिन को बचाने की कोशिश में लगा था, फ्रैंकलिन ने खुद ही उसे जेल भेज दिया सबके सब। अब मेरा रास्ता क्लियर हो गया, ठीक है मैं जाके फ्रैंकलिन का फायदा उठाता हूँ। अरे नहीं 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 अभी तो फ्रैंकलिन के बाद मैं नहीं जाता, नहीं तो पुलिस उसके घर में आती जाती रहती है, मुझे पकड़ लेगी। पहले मैं जाता हूँ रिंकू के भाई के घर, उसकी बहन है ना छोटी सी रिया, उसको पकड़ लूंगा और उसके मॉम डैड से खूब सारा पैसा मांगूंगा। चल भाई चल, तेरे तो ऐसे ही ऐसे है, बेचारे सिंचैन लोग बड़े आए थे अच्छे बनने के लिए, सबके सब जेल में मर रहे होंगे। अरे वाह बड़ा मजा आ गया, चल 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 चल। सुनो रिया मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ काम से, तुम अपना ख्याल रखना ठीक है ना, घर से बाहर ना निकलना। ठीक है मम्मा मैं घर में ही लाऊंगी, आप फिकल मत के लिए। तो ठीक है अब मैं बाहर जाती हूँ, चलती हूँ, घर का कुछ सामान घटा हुआ है ना वही मुझे लेना है मार्केट से। चलो भैया मार्केट का सामान लेना भी एक बड़ा काम होता है, चलो चलती हूँ फटाफट से यहाँ से निकलती हूँ जल्दी से। अरे वाह इतना बड़ा घर, यहाँ से तो काफी पैसा वसूल होगा, काफी रईस लगता है रिंकू। चलो ठीक है, लगता है घर में कोई भी नहीं है, किडनैप करता हूँ उसकी
बहन को और फिर उसकी माँ से ढेर सारा पैसा मांगा। मैं ऐसा किडनैप करूंगा, मैं उसे बोलूंगा मैं तेरा भाई हूँ और वो मेरे साथ आ जाएगी खेलने के लिए, फिर उधरी से मैं उसे पकड़ ले जाऊंगा। तो चलो ठीक है। सुनो रिया, तुम क्या कर रही हो? अरे रिया कहाँ हो? अरे मैं तुम्हारा भाई का दोस्त आया हूँ, तुम्हारे भाई ने मुझे बोला है कि जाकर रिया को बुला लाओ, आज हम लोग ना छुपा छुपाई खेलने वाले हैं। सच्ची में भाई ने मुझे बुलाया है खेलने के लिए? मुझे बहुत पसंद है छुपन छुपाई खेलना। ठीक है मैं चलती हूँ। चलो आ जाओ मेरे साथ फटाफट से, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ तुम्हारे भाई के पास। ठीक है ले चलो मुझे। अजा अजा फंस गई लड़की, अब मैं इसे पैसे मांगूंगा इसके मॉम से, मैं तो ये पूरा घर ही इसके मॉम से अपने नाम करवा लूंगा और पूरी जिंदगी ऐसे खाऊंगा बगैर कमाए कजाए। चल 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 भाई चल जल्दी। अबे यार हम लोग यहाँ सड़ रहे हैं भाई, कोई बचावन नहीं आ रहा हम लोग का। अरे यार सही बात है, हम लोग जेल में बंद है और हम लोग को बचाने भी कोई नहीं आ रहा है, प्लीज कोई तो हमारी हेल्प करो। आइला भलाई करने का ये नतीजा मिला कि हम लोग डायरेक्ट जेल के अंदर। हमको तो ऐसा लगा था भलाई न करे चाहे जमाने में को के, भलाई कर दो भाई तो इतना बुरा वक्त आ जाता है, बताओ हम लोग का डायरेक्ट जेल के अंदर। सुनो सर हम लोग को जान दो बाहर। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मैं चोरों का साथ नहीं देता, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और एक अच्छे इंसान का साथ देता हूँ। अरे यार दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए हो, और कमेंट्स में पाठ तो जरूर लिखिएगा ताकि आके देख सके आप वीडियो के हम लोग इस जेल से कैसे निकलते हैं और कैसे बाहर जाते हैं और असली गुनहगार को कैसे जेल में भिजवाते हैं। तो ठीक है ना, फटाफट से वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ हमारा बात तुम लोग ध्यान से सुनो, समझे ना, हमारा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, और हाँ कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखो ताकि तुम लोग देख सको हम लोग कैसे निकलते हैं जेल में से बाहर और फ्रैंकलिन को उस गुंडे से कैसे बचाते हैं और गुंडे को कैसे हम मारते हैं। सुनो जल्दी जल्दी लाइक करो, कमेंट्स में पार्ट टू लिखो। पता नहीं फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहे होंगे, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, उनका तो याददाश्त चली गई है, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। यार गाइस काफी दिनों से मैंने अपने हाथ का बनाया बर्गर नहीं खाया था, आज बनाऊंगा और पेट भर के खाऊंगा, बहुत ही मजा आने वाली है।